दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर आया रिंकू सिंह का तूफान। जबकि रिंकू सिंह मैदान पर आते ही चौके और छक्के की बरसात कर डाली। और पहले तो रिंकू सिंह एक ओवर में 54 रन उड़ा डाले, उसके बाद क्रिकेट जगत में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो दोस्तों आप भी चाहते हो रिंकू सिंह ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल का बदला ले, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि आप सभी पता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और दूसरा टी20 मुकाबला भारतीय टीम ने बड़ी आसानी से जीत लिया। और तीसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए 9 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा कप्तान मैथ्यू वुड ने 102 रनों की तूफानी और विस्फोटक पारी खेल डाली, जबकि स्टीव स्मिथ ने 76 रनों का योगदान दिया। इस टारगेट का पीछा करने के लिए भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की ओर से यशस्वी जायसवाल मात्र 4 रन के स्कोर पर आउट हो गए, तो वही सूर्य कुमार यादव 10 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट गया। लेकिन दोस्तों उसके बाद छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान देखने को मिला रिंकू सिंह का, जबकि रिंकू सिंह महज 13 गेंदों का सामना करते हुए 98 रनों की विस्फोटक और जबरदस्त पारी खेल डाली। लेकिन दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, ये तो एक सिर्फ नेट प्रैक्टिस मुकाबला था।